झरिया शहर सड़कों में इन दिनों लगातार सड़क दुर्घटना हो रही है और लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। खासकर बेलगाम हाईवा के कारण सड़क दुर्घटना में बेतहाशा वृद्धि देखी जा रही है। ज्यादातर हाईवा चालक नाबालिग और बगैर लाइसेंस धारी होते हैं। हाईवा के लिए कई बार अलग रूट निर्धारित करने की बात कही गई है, लेकिन उसके बावजूद और कोई खास पहल नहीं की गई, जिसके कारण सड़क दुर्घटना कोलियांचल में आम हो गई है। ताजा मामला झरिया थाना क्षेत्र का है, जहां पर हाईवा की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसका एक पांव कटकर हाईवा में ही फंसा रह गया। फिलहाल बेहतर इलाज के लिए उसे SNMMCH अस्पताल में रिम्स रांची रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि झरिया से केंदुआ की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर हाईवा की चपेट में आने से RK माइंस में कार्यरत एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया है। काफी दूर तक हाईवा ने उसे घसीटा, उसका दोनों पांव कट चुका है और एक पांव कटकर हाईवा में ही फंसा रह गया। घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और युवा को सबसे पहले उठाकर SNMMCH अस्पताल भेज दिया है, जहां पर उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे रांची रिम्स रेफर कर दिया है। युवक की स्थिति नाजुक बताई जा रही है, लेकिन इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बावजूद भी युवक ने अभी तक हिम्मत नहीं हारी है। घटना की सूचना पाकर भाजपा नेत्री राघनी सिंह और झरिया विधायक के खास हर्ष सिंह भी मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों को समझाने में जुटे हुए हैं। उन्होंने प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग की है। फिलहाल झरिया केंदुआ मुख्य मार्ग को स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर जाम कर रखा है। मौके पर पुलिस लोगों को समझाने में जुटी हुई है। गंभीर रूप से वो जख्मी है, वो RK ट्रांसपोर्ट का स्टाफ से जहाँ जानकारी मिली है और इसी हाईवा से घटना घटी है। अभी हम लोग का जो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि वो गंभीर रूप से जख्मी है, उसको इलाज कराना और उसका प्रॉपर केयर करना। और अभी हम लोग जो है चालक और हाईवा के विरुद्ध जो है प्राथमिकी दर्ज करके बेहतर कार्रवाई करेंगे। भविष्य में जो भी कंपनसेशन से संबंधित जो बात है उसकी कंपनी से और हमने से बात करके हम लोग उसको न्यायचित जो है न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। एक चीज़ और है सर, संदेश का स्लोगन लगाया गया था कि हाईवा का परिचालन जो है रूट चेंज होगा, जो हाईवा का जो गति है उसका धीमी कर दिया जाएगा। आज भी वही स्थिति है, उसके बाद से लगातार मौतें हो रही है, लेकिन ना तो रूट बदली हुई और ना तो हाईवा चालक संभल करके हाईवा चला। सबसे बड़ी चीज़ है कि एक्सीडेंट एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा अपराध है जिसमें पब्लिक से लेकर के पदाधिकारी ड्राइवर सबको अवेयरनेस की जरूरत है। जब तक ये अवेयरनेस को हम लोग आपस में शेयर नहीं करेंगे, लोग को जागरूक नहीं करेंगे, तब तक एक्सीडेंट नहीं रुक सकता है। जैसे आप देखे हैं कि खास करके विशेष प्रबंधन से सहयोग प्राप्त करके जगह जगह हमने ड्रम लगाया, जो आशीष की मृत्यु हुई थी उसमें भी काफ़ी हम लोग जगह जगह स्लोगन लगाया, लेकिन इसमें लोगों को सेंसियर होना होगा, उसको असली जामा पहनाना होगा और हम सबको मिलकर इसके लिए काम करना होगा। एक्सीडेंट एक ऐसा चीज़ है कि कभी भी किसी के साथ हो सकता है। लेकिन यहाँ ये भी तो है सर कि जो हाईवा चला रहा है, हाईवा चालक ना तो उसके पास लाइसेंस है और सिर्फ टीप मारने के चक्कर, ये जांच का विषय है। और यदि इस तरह की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं प्रबंधन या जो हाईवा ओनर है वो भी दोषी है। उस संदर्भ में भी यदि इस तरह की बात होगा तो अलग से हम BCCL प्रबंधन को प्रतिवेदन देंगे कि जो भी इस तरह के गाड़ी पर चालक रह रहे हैं उसका ड्राइविंग लाइसेंस चेक किया जाए, आवश्यकता पड़े तो उसको उसकी एक कॉपी स्थानीय थाना को प्रोवाइड किया जाए, ताकि हम लोग संतुष्ट हो सकें कि ड्राइवर के पास सही लाइसेंस है या नहीं। जो चीज़ें आप लोग के माध्यम से हम लोग के पास आता है उसका भी हम लोग पालन करेंगे। इधर से गुजर रहे हैं तो देखे कि कुछ हाईवा लगा है, उसके बाद एक आदमी तड़प रहा है, यहाँ 10 आदमी खड़ा भी था, कोई खाने वाला कोई किसी को नहीं था। हम देखे अपना बाइक खड़ा की, उसके बाद बाइक खड़ा होने के बाद हम देखे कि आदमी को क्या हुआ है, तो देखे दोनों टांग इसका कटा हुआ है, टांग कटा हुआ। उसके बाद देखे कि क्या हो रहा, हम बोलो कि कह रहे इसको कोई कहे नहीं उठा रहा। सरकार इतना आपको दिया है कि कोई भी इंसान को मदद कीजिए, आपको दिन हाईवा के चपेट में आया सब है, दारू की गाड़ी नहीं चलाता है। उसके बाद है कि इंसानियत को इंसान को मदद करना चाहिए, उसके बाद भी मदद नहीं, उसके बाद प्रशासन भी लोग आ रहा है, बहुत लोग भी आए कि गाड़ी को हमसे पहले सवार कहाँ का था कुछ मालूम अभी नहीं है, अभी जैसे आएगा उसके बाद मालूम चलेगा। उसके बाद जैसे है कि अभी कुछ आदमी लोग ऐसा भी आया था
तो जो हाईवा को पीछे लेके जा रहा था गाड़ी को क्लियर तुरंत कराने का फेर में था और हम लोग उसका क्लियर कराने होने नहीं दिए। जितेश सिंह नाम है हमारा, उसको क्या मोहित पे आप दे दिए, उसका भी आप बोले देंगे। भैया क्या कुछ आज से 6 महीना पहले एक स्पॉट कांड हुआ, केंदुआ का चौरसिया तो थे यहीं पर झरिया से वो रिटर्न काम करके जा रहे थे, शाम 7 बजे कांड स्पॉट चढ़ा दिया गया था गाड़ी। क्या कुछ भी है आज, क्या हुआ भी? आज भी यही कांड हुआ कि मेरा वर्कर छुट्टी हुआ, वो गया वहाँ पर अपना सब्जी उब्जी लिया लेके आ रहा था, वो आगे आगे आ रहा था हाईवा पीछे पीछे। अब बताइए आप मोटरसाइकिल आगे लेके जाइए, आपके गाड़ी क्या नाम है आपके वर्कर का? प्रदीप यादव। कहाँ से आ रहे थे? ये यही रहते हैं कैंप में, वो सब्जी लेके बगल से आ रहे थे मंदिर के पास, वहाँ से तेल लेकर लेके आए, डिक्की में भी भरा हुआ जाएगी। देखिए ये गाड़ी कहाँ से आ रही थी? ये तो पता नहीं कहाँ से आ रही थी, कहाँ जा रही थी? इधर कहाँ जाएगी, इधर जो साइडिंग है जाएगी अपना। अभी क्या कुछ मांगे आप? हम लोग का मांग है कि वो वर्कर का फूल पूरा परिवार का पालन पोषण का हर चीज का मुआवजा ये मालिक ये गाड़ी का देगा, अन्यथा ये गाड़ी यहाँ से नहीं हटेगा, हम लोग यहीं पर ही बैठेंगे। हम लोग पंकज यादव।